दोस्तों स्वागत है आपका द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के आज के डे 12 के समरी वीडियो में। तो दोस्तों देखिए लगातार कैसे 11 दिन बीत गए पता ही नहीं चला, अभी ये 12वां दिन चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 जो कि जिसको फाउंड किया है भूपेंद्र सिंह राठौर यानी कि BSR सर ने एंड अभी भी वो अनुष्ठित कर रहे हैं इसे। तो ये जो वर्कशॉप चल रहा है 15 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा। तो इसकी हर दिन की जो समरी होती है वो आपको ये जो प्लेलिस्ट है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की समरी प्लेलिस्ट इस प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से आप फॉलो कीजिए एंड पिछले जो 11 दिन के वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है उसमें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए हमारे रूल को एक बार फॉलो करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। तो शेक योर बॉडी एंड से यस, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा सेलिब्रेट वही करता है जो सेलिब्रिटी होता है, मतलब जो सेलिब्रिटी होता है वही सिर्फ सेलिब्रेट करता है। इसलिए आपको रोज सेलिब्रेट करना है एंड खुद को एकदम एक्साइटेड रखना है, एनर्जेटिक रखना है, पॉजिटिव रखना है। क्योंकि आप सोचिए आप अगर एकदम अपना जो एनर्जी है उसको डाउन करके रखेंगे, आप एकदम अपसेट रहेंगे तो आपके अंदर उतनी ऊर्जा भी नहीं आएगी, आपके माइंड में कुछ नए आइडियाज़ भी नहीं आएंगे, आपको सिर्फ आपके दिमाग में वही सारी प्रॉब्लम्स याद आती रहेगी, मतलब जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है एंड उसी अपसेट एनर्जी की वजह से आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुरंत ही आप अगर किसी का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं या फिर सोल्यूशन ना भी हो, आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसलिए तुरंत ही आपको जब भी लगे कि मेरा बॉडी का एनर्जी डाउन हो रहा है, साथ ही साथ एकदम एक एक्साइटेड सॉन्ग चला दीजिए, 5 मिनट के लिए डांस कर लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिएगा अगर आपको शर्म आती है तो, नहीं तो ऐसा ही कर लीजिएगा। और ऐसे मतलब शेक योर बॉडी एंड से यस, ऐसे एकदम एनर्जेटिक तरीके से आपको करना है एंड अपनी बॉडी का जो चार्ज है उसको एकदम अप करना है, हाई करना है। तो दोस्तों मेरा नाम है मौसमी सिंगोरा एंड चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे जिसके भी लाइफ में जो भी सब प्रॉब्लम्स है आप एक बार सोचिए हमारी एटीट्यूड कैसी है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। मतलब हमारे लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो तो रियलिटी में हो ही रहा है, लेकिन हम अगर उसको और भी ज़्यादा एनर्जी देंगे, अपना जो माइंडसेट है, एनर्जी है, उसको एकदम लो करके, अपसेट करके, दुखी रह के, तो क्या होगा उसको, मतलब हम ज़्यादा और खाना देंगे, फीड करेंगे उसको ज़्यादा ताकि वो हमारे ज़िंदगी में और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा एटीट्यूड इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों सोचिए आपके पास तो वो सब कुछ है ना। मतलब ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, मतलब जो दिव्यांगन होते हैं, लेकिन वो दुनिया में कितने सक्सेसफुल है। जैसे कि एक लेडी है जेसिका कॉक्स, जिनके हाथ नहीं है, मतलब दोनों हाथ ही नहीं है उसके जन्म से, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका बचपन से इच्छा था कि वो पायलट बनेगी और आज वो एक सक्सेसफुल पायलट है बिना हाथों की, एकदम सर्टिफाइड उनके पास, मतलब ऑफिशियली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है एंड वैसी वो एक पायलट है। दोस्तों मतलब सोचिए इस दुनिया में कुछ भी तो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि सोचिए वो जो लड़की थी उसने अगर शायद घर में बोला होगा मम्मी पापा मुझे प्लेन उड़ाना है, तो तब उसके मम्मी पापा ने क्या कहा होगा, अरे तुम कैसे उड़ा सकती हो, मतलब उनके मन में भी तो एक डर होगा कि ये कैसे कर पाएगी, इसका तो दोनों हाथ ही नहीं है। उसके बाद वो लोग अगर मान भी ले, जो ट्रेनर होता है पायलट का जो कोचिंग देता है वो कैसे मानेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर पूरी शिद्दत एक चीज़ पर हो, जिस चीज़ पर भी हो, पूरी दुनिया पूरी कायनात उसे आपसे मिला देगी। तो दोस्तों एकदम शिद्दत बनाए रखिए एंड कभी भी गिव अप मत कीजिए किसी भी सिचुएशन पर। देखिए दोस्तों आप इस बात को इस तरह से समझिए ताकि आपको इजीली समझ आए बात। आप अभी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सोचिए, अभी मैं पॉजिटिव मेंटेलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी कह रही हूँ आपसे कि आपके लाइफ में जो भी अभी प्रॉब्लम है, मतलब प्रेजेंट प्रॉब्लम जो भी कुछ चल रहा है, आप उसके बारे में सोचिए, मतलब क्या क्या है आप याद कीजिए, याद किए इसके बाद आप इसे रेटिंग कीजिए परसेंटेज के हिसाब से, मतलब 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%, 90% ऐसे करके परसेंटेज दीजिए। ठीक है, आपने दे दिया, किसी ने शायद दिया होगा 10, 20, 30, किसी ने शायद 50, किसी ने शायद 90, किसी ने शायद 100 ऐसे दिए होंगे। लेकिन अब आप क्या कीजिए, अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ भी है, मतलब जो लोग दिव्यांगन होते हैं या फिर ऐसे ही कोई फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब उनका कोई ना कोई कमती होता है,
एंड उनसे कंपेयर कीजिए एंड उन लोगों से कंपेयर कीजिए जो शायद आज खड़े हो सुसाइड करने का जो मोमेंट है उस सिचुएशन पर खड़े हो, या फिर उस फैमिली से कंपेयर कीजिए जहाँ पर कोई शायद गुजर गया हो एंड वो जो फैमिली है उसको चलाने में उन लोगों को बहुत मुश्किलें आ रही है, एंड ऐसी और सी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं। एंड अभी कंपेयर करने के बाद आप रेटिंग कीजिए, सोचिए उनका जो प्रॉब्लम है वो अगर 100% है तो उस 100% के हिसाब से आपके लाइफ में आप जिस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं या फिर फील कर रहे हैं आपका वो प्रॉब्लम कितना परसेंटेज में आ रहा है। आप अगर ऐसे हिसाब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कम, शायद 1% से 10% में ही आएगा। क्योंकि सोचिए दोस्तों, वो लोग जो होते हैं जो ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनका आप एक बार मेंटल हालत एक बार सोच कर देखिए। सोचिए हम लोग अभी इतना परेशान रहते हैं कि हम क्या कुछ कर पाएंगे दुनिया में, ऐसे रिलेटेड बहुत से परेशान रहते हैं, लेकिन आप सोचिए वो जो बच्चा जन्म होते ही कुछ सालों बाद उसको जब रियलाइज़ होता है अरे सबका तो हाथ पैर सब कुछ है मेरा क्यों नहीं है, सोचिए वो वक्त तब उसको कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा। तो दोस्तों आपके पास तो सब कुछ है तो आप क्यों हार मान रहे हैं, आप तो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। एंड इस थॉट को अपने माइंड में हर वक्त रखिएगा। एंड दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपके पास जो कुछ भी है वो कुछ एकदम सही है, मतलब आपके पास जो कुछ होना चाहिए था वो सब कुछ है एंड एकदम सही तरीके से है। इसलिए कंप्लेन करना बंद कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को ऊर्जा देना फीड करना उन्हें बंद कीजिए, उन्हें बढ़ाना बंद कीजिए एंड कभी भी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ है जो दुनिया में आपको एकदम रिनाउंड बना सकती है, आप जो भी करना चाहते हैं आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है दोस्तों। इसलिए अपने ऊपर हमेशा 1000% विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, इसलिए हमेशा एनर्जेटिक पावरफुल ऐसे, मतलब खुद को कभी भी लो नहीं करना है, हर वक्त हाई एनर्जी के साथ रहिए ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो नए आइडिया आते ही रहे। तो इससे क्या होगा, आप जीवन में कभी भी स्टक नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको अगर किसी मुकाम तक पहुंचना है तो आपको उसके पीछे भागते रहना है, मतलब उसको पाने के लिए जो भी कुछ काम करना पड़ता है आपको उसे पूरी शिद्दत से करना है एंड पूरी जान लगा देना है, मतलब भागते रहना है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आए आप भाग नहीं पाए फिर आपको चलते रहना है, चलना बंद नहीं करना है। लेकिन और भी अगर ख़राब सिचुएशन आ जाए कि आप चल भी ना पाए तब आपको रेंगते रहना है, लेकिन आपको ठहरना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप ठहर गए उस दिन आपकी तरक्की भी ठहर जाएगी एंड आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा दौड़ते रहे या फिर चलते रहे या फिर रेंगते रहे, लेकिन कभी भी मत रुके दोस्तों। ऑलवेज फोकस व्हाट यू हैव एंड ऑलवेज थिंक सुपर रिच। एंड दोस्तों आज के वर्कशॉप में विश्वरूप रॉय सर आए, जो कि 3 times वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ डिस्कवरीज किए हैं जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मल कोई बीमारी होता है तो जो कोई भी हम लोग दवाई लेते हैं, उन्होंने ये सब डिस्कवर किया है कि उस बिना दवाई के हम लोग कैसे ठीक हो सकते हैं, हमारा जो नॉर्मल फूड है खाने का चीज़ है उसे ही हम खाकर कैसे ठीक हो सकते हैं एंड लाइफ के कुछ छोटे छोटे चेंजेस जिसे कि हम अपना कर हम उस बीमारी को एकदम अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल कर एकदम टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो उनको आज बीएसआर सर ने फेलिसिटेट किया इंडियाज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर के अवार्ड से। तो दोस्तों यही था आज का हमारा डे 12 का समरी वीडियो एंड कल आने वाला है द मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 4 का डे 13 का समरी वीडियो। तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से फॉलो कीजिए एंड सारे वीडियोस को देखें, क्योंकि उन वीडियोस में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपको अपनी जो पूरी लाइफ है आप उसे मतलब 180 डिग्री का आप डिफरेंस ला पाएंगे, इतना डिफरेंस आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है एंड वीडियो समाप्त करने से पहले चलिए हमारे रूल को फिर से एक बार फॉलो करते हैं, शेक योर बॉडी एंड से यस। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त होती है एंड धन्यवाद दोस्तों।